गणेश चतुर्थी नजदीक आ गई है और हर घर में मोदक बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। हेलो फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए झटपट से बनने वाली मलाई मोदक, जिसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं बिल्कुल हलवाई जैसे। ये बनाना भी बहुत ही आसान है, बाबा को भी बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद आए क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। उससे पहले मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम मलाई मोदक बनाने के लिए हमें तो चाहिए फ्रेंड सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए छेना या पनीर। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 200 ग्राम पनीर। तो पनीर को हम पहले छोटे छोटे तोड़ लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसे हाथ से भी मसल सकते हो या ग्रेट कर लो, कद्दूकस कर लो आप इसे, पर उसमें थोड़ी ना थोड़ी गुठलियाँ रह जाती है, लम्स रह जाते हैं, इसलिए हम इसे एक से दो बार पल्स मोड पे मिक्सी में चला लेंगे, ग्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पनीर को हमने तोड़ दिया है। अगर आप चाहो, आपके पास घर में दूध पड़ी है, तो आप इसे डायरेक्टली छेना निकाल कर भी आप इसे बना सकते हो, और भी टेस्टी बनेगा वैसे। तो यहाँ पर देखिए पनीर को हमने डाल दिया मिक्सी जार में, और एक से दो बार ही पल्स मोड पर हम चलाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा ये बन जाएगा स्मूथ। तो इसे हम पल्स मोड पर चला सकते हैं। तो देखिए कैसे स्मूथ बन गया, बिल्कुल मखमल की तरह ये मुलायम हो गया है। तब चलिए आगे देखते हैं तो गैस की तरफ। और ये देखिए यहाँ पर हमने एक पैन रखा है, पैन में हम डाल देंगे घी। घी डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हम अपना ये जो पनीर के हमने ग्रेट किया था इसे डालेंगे, जो पनीर पीसे थे इसे डाल देंगे। मिक्सी जार में जो भी लगा है उससे अच्छे से साफ करके डाल लेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग के घर में क्या क्या तैयारियां शुरू हो गई है तीज के लेके और गणेश चतुर्थी के लेके, तो देखिए यहाँ पर हमने सारे यहाँ पे पनीर जो हमने ग्रेट किया था उसे डाल दिए हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच पीसी हुई चीनी। तो आप यहाँ पर मीठा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं फ्रेंड, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। हाफ कटोरी इसमें दूध डाल मिल्क पाउडर डाल देंगे, सॉरी दूध नहीं, मिल्क पाउडर डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर दूध भी डाल सकते हो, पर ये वाला मोदक ना बहुत ही टेस्टी बनता है और मार्केट में बहुत ही महंगा भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम गैस ऑन करके लगातार चलाते रहेंगे, जैसे ही चीनी मेल्ट होगा तो ये थोड़ी क्रीमी क्रीमी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रीमी क्रीमी सा हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी, अगर आपके पास हो तो डालो, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। थोड़ी सी इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा, आप चाहे तो गुलाब की पंखुड़ी स्किप कर सकते हैं, पर इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास गुलाब कि पंखुड़ी हो तो आप इसे ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इसे देखिए हम कंटिन्यू मध्यम आंच पर चलाते हुए जब तक ये डो के जैसा ना हो जाए ना, तब तक इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड भुनाई हम अच्छे से करेंगे ना इसकी, तो इसमें टेस्ट खोए की तरह आएगा, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने इसे पनीर और मिल्क पाउडर से बनाया है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारा भून गया था, ये बिल्कुल डो के जैसा हो गया था। तो गैस को कर देंगे ऑफ और इसको हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ठंडा ना होने दीजिएगा, अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो मोदक बनाएंगे ना तो वो बिखरेगा, उतना अच्छा से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसे ठंडे होने के लिए छोड़ दिए, बस थोड़ी सी ठंडी करनी है हमको। तो ऐसे फैला देते हैं और ठंडे हो जाने देते हैं। अब यहाँ देखिए हमने लिया है एक मोल्ड मोदक बनाने वाला, उसमें डाल देंगे घी। घी से इसे चिकना कर देंगे, थोड़ा सा घी लगा देंगे, एक बार ही लगाएंगे, हर बार लगाना ज़रूरी नहीं है। इसमें थोड़ी सी डालेंगे गुलाब की पंखुड़ियाँ और थोड़े से डालेंगे हम पिस्ता। अगर आप चाहो तो जो मिक्सचर बनाए थे ना हम दूध और पनीर की, उसमें भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चों को कभी कभी पसंद नहीं आता है इसलिए मैं इसमें डाल ही नहीं। और ये देखिए हम बोल्ड में भर देंगे, दोनों तरफ से अच्छे भरेंगे, टाइटली भरेंगे, तो मोदक हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा और देखने में बहुत सुंदर बनेगा। तो देखिए ऐसे टाइटली हम इसमें दोनों तरफ से भर दे रहे हैं और ऐसे मोदक बनाने वाले से, और ऐसे इसको करेंगे टर्न और जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा और उसे हटा देंगे
और एक बार अपने हाथों से इसे फिक्स कर देंगे और अच्छे से दबाते हुए इसे हम करेंगे। और ये देखिए हमारा प्यारा सा मोदक बन गया है ना, और देखिए कितना ज़्यादा देखने में सुंदर दिख रहा है फ्रेंड। ये देखने में जितना ही टेस्टी लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप मार्केट में भी मिले मलाई मोदक तो उसे खा कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऐसे ही हम सारे मोदक बनाएंगे। और ये लीजिए हमारा गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक बन के रेडी हो गया है। तो इस गणेश चतुर्थी आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड इसके ऊपर हम, आप चाहो तो थोड़ी सी केसर वाले दूध से हम इसे गार्निशिंग कर देंगे। तो और ये है ना बनाना आसान। तो इस गणेश चतुर्थी आप इस रेसिपी का ट्राई ज़रूर कीजिएगा बब्बा, और आपके घर में सभी को पसंद आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पे प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप हमारी आसान